फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मंडे सुबह से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज अभी काफी से इसलिए जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आपके साथ बात करूंगी। और अभी दाल चावल और एक बीन्स पटाटो कैरेट को देकर मैं फ्राई बना लूँ। और उनके लिए ब्रेकफास्ट में चपाती बना लूंगी, सोच रही हूँ दो चपाती बना लूंगी तो जल्दी खा के जाएंगे। आपके साथ बाद में बात करती हूँ, पहले मैं खाना बना लेती हूँ। लंच बनाना हो गया, अभी जल्दी जल्दी पैक कर दूंगी मैं टिफिन में, फिर हस्बैंड ऑफिस जाएंगे। अभी उनको चपाती बनाना हो गया, चपाती दे दूंगी फ्राई के साथ तो खा के चले जाएंगे। वो राइस लंच में लेकर जाते, कभी कभी चपाती लेते पर मोस्ट ऑफ द टाइम राइस लेते। अब हो गया हबी का टिफिन पैक, बस जल्दी जल्दी मैं लंच बॉक्स में दे देती हूँ, लंच बैग में, बॉक्स में बोल रही हूँ, बैग में दे दूंगी। बस ब्रेकफास्ट भी बनाना हो गया, बस अभी चपाती थोड़ा निकाल के उनको दे दूंगी खाने के लिए। अभी भाई चाय बिठा देती हूँ, अभी चाय गुड मॉर्निंग चाय। बस अब मेरा काम खत्म हो गया मॉर्निंग का, अभी चाय पियेंगे हम लोग बैठ कर, वो भी नाश्ता करके ऑफिस जाएंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं कवर डालूंगी, थोड़ा ठंडा होने दो, इसलिए मैं फैन के पास उसका रख दिया। Thank you.
हमारा चाय पीना हो रहा है, ये ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद फिर बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बनाऊंगी। मैं सुबह के बाद अभी बात कर रही हूँ, तब 8 बज रहा था, अब 11:30 हो गया है और मेरा बेटा क्या बोल रहा है, इधर बैठ के ड्राइंग कर रहा है तो बोल रहा मम्मी दिखाओ दिखाओ। गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिखाओ मम्मी दिखाओ, ये बाबू है। ये कौन है? ये मेरा बेटा है, ये बाबू है, सैंडविच खा रहा है। अच्छा करो करो, बच्चों का भी नहाना धोना हो गया, वो सुबह ही उठकर मैं नहलाती उसको, और ये टीवी देख देख के तो टाइम पास कर रहा है। इधर का ड्राइंग चल रहा है, इधर कलरिंग और उधर टीवी, दोनों चल रहा है, मल्टीटास्क कर रहा है, मल्टीटास्क। और चलिए, और बेटी भी अपने रूम में कुछ कर रही होगी, पढ़ाई या कुछ पता नहीं क्या कर रही है। हाँ, उस ड्राइंग कुछ कर रही है, उसको भी ड्राइंग पसंद है, ड्राइंग कर रही है। और अब आज तो 1 वीक के लिए इसको मतलब क्लास भी जो होता था ऑनलाइन वो भी छुट्टी है, क्योंकि मैं टीचर लोग को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। ये ले पापा, तेरा एक बुक वहाँ पे साइड पे रख दे, ये एक बुक है ना, रख दे साइड में रख दे, ठीक है। और मैं कपड़ा दी थी धोने के लिए, हो गया होगा मशीन, साउंड आ रहा था, जाके चेक कर लेते हैं फिर कप, अभी सुखा भी लूंगी। हाँ हो गया, थोड़ा मिस कर रही उनको, थोड़ा खाली खाली घर सुना सुना लग रहा है, क्यों थोड़ा वो होते तो सहल महल ज्यादा होता है घर में। मैं ज्यादा खुश होती हूँ, बात करती हूँ, क्योंकि मैं तो बड़बड़ बड़बड़ बड़ करती रहती हूँ, वो नहीं है तो बच्चों के साथ क्या, बच्चे तो अपने काम में बिजी हो जाते, बस मैं इधर इधर उधर इधर घूमती रहती हूँ और कुछ नहीं। थोड़ा बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, और यहाँ पे बेड में भी चादर मेरी बेटी लगा दी, मेरे बेड पे मैं लगाती हूँ, पर ये दो बेड को ऊपर नीचे वो ही लगाती है, उसके रूम का और इसका, वो अच्छे से चादर फदर लगा लेती है, उसको ऊपर खड़े होकर चादर लगाना 10-15 मिनट लगता है, वो ही करती है सारा काम, सुबह करी हम ब्रेकफास्ट करने के बाद ये कर ली थी वो। और ये रहा मेरा रूम, मुझे अभी थोड़ा एडिटिंग भी करना है वीडियो का, इसलिए कंप्यूटर ऑन है, मैं बैठ के करूँगी थोड़ी देर ये। और इधर मेरे बेड के पास एक विंडो है, यहाँ से बहुत अच्छा हवा आता है, क्योंकि विंडो बहुत बड़ा है, ये खोलती हूँ तो बहुत अच्छा हवा आता है। आज क्लाइमेट भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि कल रात को अच्छे से बारिश हुआ था, जोर से, बहुत जोर से बारिश हुआ था, क्लाइमेट भी कूल लग रहा है, कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल है। देखो कितना बहुत कोकोनट ट्री है, 5-6 कोकोनट ट्री है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है।
तो देखिए क्या कर रहा है क्या खेल रहा है बच्चों के। इधर अब ड्राइंग रूम ही उसका प्लेग्राउंड हो गया है, बस सोफा का वो कुशन लेकर छोटा छोटा स्टूल आता है ना उसको लेकर बस रनिंग कर रहा है। ओ माय गॉड, क्या करे बाबू, ये क्या हो रहा है तेरा? प्लेइंग? हाँ, प्लेइंग कर रहे हो? कह रही हूँ, ये देखो कुछ काम क्या करेंगे, पापा होते थे थोड़ी देर पापा के साथ मस्ती करते थे, आज पापा नहीं है। पापा, बाबू, पापा नहीं है, कैसा लग रहा है तुमको? पापा ऑफिस गए आज? बोरिंग बोरिंग लग रहा है? हाँ, यू मिस पापा, यू मिस पापा। ओके, थक गया? हाँ, अभी अभी पेट थोड़ा कम हो जाएगा उसका एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज। ओके, अब हो गया है, अब भिंडी फ्राई अब उसको निकाल देंगे। बस अब खाएंगे हम लोग लंच। ये रहा राइस, आज मैं कुकर में मैंने बैठा दी क्योंकि थोड़ा बनाना था, रात को तो कोई राइस नहीं खाता है। और ये रहा दाल, और ये अभी भिंडी आलू फ्राई जो बनाया, अच्छा लगा बाबू? भिंडी आलू फ्राई। और ये थोड़ा फिश था कल का, गरम कर दिया, खाएगा फिश तू? ओके, हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे फिश। बस आज का लंच हमारा ये है, सिंपल लंच है पर अच्छा लगता है कभी कभी सिंपल लंच भी खाना। अभी बच्चे को मुझे थोड़ा देना। थोड़ा खाओगे? क्यों, भूख नहीं है आज? हाँ बाबू, आज भूख नहीं है, आजा मम्मा आजा, खाना खा लेंगे। आज पापा को तो बहुत मिस कर रहे हम लोग खाना खाने के टाइम लंच में, क्योंकि दो महीना इतना। ओके, और थोड़ा दे देती हूँ बाबू। ये बेटी भी आ गई, चलो बेटी को भी खाना दे देते हैं, सब आज एक साथ मिलके खाना खाएंगे। पकड़ो माँ थोड़ा। ओके, गरम गरम जो भी बनाए गरम गरम खा लो तो अच्छा लगता है, दाल चावल भी गरम गरम बनता है तो अच्छा लगता है खाने के लिए। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Together, it's so beautiful, you and me. We meant to be great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you, from a distance you can tell. You and me. Okay friends, hum khana kha rahe, अब खाना खा के थोड़ी देर सो जाएंगे, उसके बाद शाम को इसके पापा आएंगे। तो आज क्या हुआ ऑफिस में, एक नया टॉपिक मिल जाएगा बात करने के लिए, कैसे गया उनके दिन। वैसे ही थोड़ा तो नया सुनने को मिलेगा, नहीं डेली सेम रूटीन आज थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा रूटीन थोड़ा तो अलग हुआ है दो महीना से, तो आज थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा रिफ्रेश लग रहा है। मैं मॉर्निंग उठ कर सारा मेरा खाना पाना भी बना दिया था, थोड़ा अभी बना लिया, बस हो गया।
इसलिए देर सो जाऊंगी। और आज मैंने छुट्टी बनाई, छुट्टी बहुत दिन के बाद मैंने छुट्टी बनाई। फिर मिलते हैं हम मेरा नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है। टिल देन बाय 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 बाय। मम्मा बाय करो, बाय कर दो, बाय करो, बाय बाय।